नजर प्रेम तोर दीवाना हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? ऐसा करते हूँ अच्छा होंगे। तो दोस्तों, आज मैं पुरुलिया न्यूज सॉन्ग में सिंपल स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ। तो प्रीव्यू में तो देख लिया वीडियो कैसा होने वाला है। तो दोस्तों, इस स्टेटस को बनाने के लिए वीडियो को एकदम पूरा देखे बिना स्किप किए। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह डेली वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। और वीडियो बनाने में कोई भी परेशानी आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जो फोटो यूज होने वाला है ये फोटो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये स्टेटस को बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, एलाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद देखो प्रोजेक्ट में आ जाना। और देखो, जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से सबसे पहले डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करना नहीं आता तो उसके लिए एक वीडियो में बना दिया हूँ, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, तो समझ में आ जाएगा ये दो प्रोजेक्ट को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखो जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट है, ये सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो ये प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो, ये जो बीट है, ये बीट में आपको कुछ नहीं करना है। ये बीट से मैं इफेक्ट को बनाया हूँ, तो ये बीट को कुछ भी नहीं करना है। अगर चाहते हो ये बीट को हटा देना, तो मैं अभी फिलहाल नहीं हटाऊँगा। तो देखो, सबसे पहले आगे आ जाना। और आगे देखो, यहाँ पर जो ग्रुप लेयर है और ये जो रेक्टेंगल वन है, ये दो लेयर को डिलीट करना नहीं। ये जो दो लेयर है, इसमें मैं पहले से इफेक्ट देकर रखा हूँ। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट में आ जाना वीडियो बनाने के लिए। और जिस फोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो, उस फोटो को यहाँ पर ऐड करना होगा फर्स्ट बिट में। तो फोटो ऐड करने के लिए देखो, ये जो प्लस ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, मीडिया ऑप्शन में आ जाना। और दोस्तों, जिस फोटो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड कर लेना। तो देखो, मैं आपको दिखाने के लिए एक फोटो को ऐड कर लिया हूँ। तो फोटो ऐड करने के बाद देखो, ऊपर में जो थ्री डॉट है यहाँ पर टच करना होगा, और इधर से फिल कंपोजिशन एरिया को टच कर देना। तो ये जो फोटो है, यह फोटो फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो दोस्तों, अब क्या कर रहे हैं, एकदम लास्ट में चले जाना और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो, जो फोटो ले आ रहा है एकदम लास्ट में आ गया। तो वो ये जो फोटो है, ये फोटो को और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों, अब नीचे एक शैडो ऐड करेंगे। तो नीचे शैडो ऐड करने के लिए देखो, एक शेप को ऐड करना होगा। तो शेप ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना है और ये वाला शेप को ऐड कर लेना। और शेप ऐड करने के बाद देखो, ऊपर में जो थ्री डॉट है यहाँ पर टच करना होगा, और इधर से फिल कंपोजिशन एरिया को टच कर देना। तो ये जो शेप है फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद कलर एंड फिल ऑप्शन में आ जाना और देखो, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। उसके बाद देखो, ये जो डॉट है, ये डॉट को कुछ इस तरह, और नीचे जो डॉट है, ये डॉट को कुछ इस तरह करके एडिट कर लेना सबसे पहले देखो। और इस तरह एडिट करने के बाद देखो, ये जो ब्लैक कलर का जो बॉक्स है यहाँ पर टच करना होगा। मिडिल में जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना। और देखो, व्हाइट कलर का जो बॉक्स है यहाँ पर, ये व्हाइट कलर बॉक्स को टच करना है और ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों, ब्लैक कलर को सिलेक्ट करने के बाद देखो, ये जो मिडिल में जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, और इस साइज को थोड़ा कम कर लेना। देखो, तो मैं 90% काम कर लिया हूँ, देखो यहाँ पर दिखा रहा। उसके बाद एक बार बैक हो जाना और एकदम लास्ट में चले जाना, लास्ट बिट में। और ये जो ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना। तो देखो, जो शेडो है वो एकदम लास्ट में आ जाएगा। तो दोस्तों, अब क्या करना होगा, अब एक पीएनजी फोटो को ऐड करेंगे। तो पीएनजी फोटो ऐड करने के लिए देखो, प्लस ऑप्शन को टच करना है, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और ये जो पीएनजी फोटो है, ये पीएनजी फोटो को ऐड कर लेना। तो पीएनजी फोटो ऐड करने के बाद देखो, जो मोबाइल ट्रांसफर में यहाँ पर टच करना होगा, और नीचे यहाँ पर पीएनजी फोटो को सेट कर लेना। देखो यहाँ पर, तो सेट करने के बाद ये जो जूम ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, और इस तरह करके थोड़ा जूम कर लेना। और एक बार बैक हो जाना, एकदम लास्ट में चले जाना, और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो, ये जो पीएनजी फोटो है एकदम लास्ट में आ गया। तो दोस्तों, आप क्या करना है, तीन इमोजी को ऐड करेंगे। तो उसके लिए प्लस ऑप्शन को टच करना है, डबल टेक्स्ट में चले जाना, और इधर से तीन इमोजी को ऐड कर लेना। तो मैं देखो, तीन इमोजी को मैं ले लिया हूँ। उसके बाद देखो, यहाँ पर जो एक बार टच करना होगा, यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर एक बार टच कर देना। उसके बाद देखो, यहाँ पर जो अट्रापिटी ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, और इधर से इसका जो साइज़ है थोड़ा बढ़ा लेना। तो देखो, मैं 24 PT रख दिया हूँ। उसके बाद ये जो बॉक्स है यहाँ पर टच करना होगा, और मिडिल में जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना। उसके बाद दो बार टिक ऑप्शन पर टिक करना होगा, मूवमेंट ट्रांसफर में आ जाना। और यहाँ पर देखो, नीचे यहाँ पर
ये पीएनजी फोटो को रख देना कुछ इस तरह, सॉरी पीएनजी फोटो को नहीं, इमोजी फोटो को। उसके बाद एक बार बैक हो जाना, एकदम लास्ट में चले जाना और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो जो इमोजी लेयर एकदम लास्ट में आ जाएगा। उसके बाद देखो दोस्तों जो फोटो है, ये फोटो में अब इफेक्ट देंगे तो उसके लिए बैक हो जाना और सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट में आ जाना। और देखो ये जो फोटो लेयर है, ये फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट में आ जाना, फिर उस पर टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद बैक हो जाना और फिर से देखो ये जो सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट है, ये सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो ये प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद देखो ये जो फोटो लेयर है, ये फोटो लेयर को टच करना होगा इफेक्ट देने के लिए और इफेक्ट में आ जाना, थ्री डॉट पर टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो देखो ये जो फोटो है, ये फोटो में कुछ इस तरह इफेक्ट लग जाएगा, देख सकते हो। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो अब ये जो देखो ग्रुप लेयर और रेक्टेंगल टू है, ये दो लेयर को ऐसे लॉन्ग प्रेस करके दबा के रखना होगा और सभी लेयर के ऊपर ये लेयर को रख देना। उसके बाद फिर से ऐसे लॉन्ग प्रेस करके दबा के रखना होगा और ये जो लेयर है, ये लेयर को देखो ये जो फोटो लेयर है उसके ऊपर ये फोटो लेयर को, ये रेक्टेंगल वन लेयर को रखना होगा। तो देख सकते हो जो फोटो है, ये फोटो में कुछ इस तरह कलर चेंज हो जाएगा, देखो कुछ इस तरह करके। तो दोस्तों अब क्या करना है, अब ये लेयर को कुछ भी नहीं करना होगा। दोस्तों मेरा जो वीडियो है वो बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आप वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे तो वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए देखो ऊपर में जो यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।